मिलावटी दूध दोस्तों एक ऐसी चीज जिसे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपनी सेहत के लिए फायदेमंद समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दूध की। ये तो हम सभी मानते हैं कि दूध हमारी सेहत के लिए वरदान है, लेकिन इस वरदान में मिलावट करके कुछ लोग सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। देखिए आखिर कैसे किस तरह से बनाया जा रहा है ये नकली दूध। इसके हाथ में एक कांच की शीशी है जिसमें कोई केमिकल मौजूद है और मिलावट करने वाले ने इसे चिमटे से पकड़ रखा है। आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक केमिकल होगा जिसे ये हाथ से न पकड़कर चिमटे से पकड़ रहा है। और जैसे ही वो थोड़ा सा केमिकल ग्लास में डालता है, वहां खड़ा दूसरा व्यक्ति उस शीशी को उसी चिमटे से पकड़कर बहुत ही सावधानी से हटा देता है और फिर वो उस केमिकल वाले ग्लास में पानी डालता है जिससे तैयार हो जाता है हमारी सेहत को खराब करने वाला दूध। लेकिन दोस्तों, हम ये नहीं चाहेंगे कि आपकी सेहत पर कोई भी बुरा प्रभाव पड़े। अगर आप भी असली और नकली दूध में फर्क पहचानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपने देखा होगा कई बार दूध उबालने से पहले दूध एकदम सफेद होता है और पीला पड़ने के बाद सफेद पड़ जाता है, जो कि नकली दूध की पहचान होती है। असली दूध कभी भी उबाल के रखने के बाद पीला नहीं पड़ता, इस बात का ख्याल जरूर रखें। असली दूध को हाथों के बीच रगड़ने से कोई चिकनाहट महसूस नहीं होती, लेकिन अगर हाथों पर दूध रगड़ने से चिकनाहट महसूस होती है तो ये नकली दूध है, जो कि डिटर्जेंट की वजह से होता है। दूध में पानी की मिलावट की पहचान कैसे करें? अगर आप दूध में पानी की जांच के लिए इसे किसी लकड़ी या फिर पत्थर की सतह पर एक या दो तीन बूंद डालें और दूध बहता हुआ नीचे की तरफ चला जाए और पीछे सफेद रंग की धार छोड़ता चले, तो समझ लीजिए दूध में पानी की मात्रा नहीं है। आपको बता दें, असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है, जबकि नकली दूध का स्वाद सोडा और डिटर्जेंट के मिलने से कड़वा हो जाता है। सिंथेटिक दूध की पहचान कैसे करें? सिंथेटिक दूध की पहचान करने के लिए उसे सूंघें। अगर उसमें साबुन या डिटर्जेंट जैसी गंध आती है तो इसका मतलब है कि दूध में मिलावट है, जबकि असली दूध में आपको कोई भी डिटर्जेंट वाली स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर ऐसे मिलावट करने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।